काफी दोस्तों के मुझे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि सर जी हमें 40040 का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा बताएं जो कि हो 5-6 एम्पीयर का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही क्लियर करने वाले हैं 40040 5 एम्पीयर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा को क्लियर करेंगे, समझेंगे अच्छे से, बहुत है कि अच्छे लेवल से, और एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आपको एक एक चीज और एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं हूं आपका बना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यह है हमारी एसी वाइंडिंग, मतलब कि यह होती है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है दोस्तों, और यह है हमारी डीसी वाइंडिंग, मतलब कि यह है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, और यह है हमारे जीरो लूप, मतलब कि जीरो से स्टार्ट करेंगे हम, और बीच वाली जो लूप रहेगी वो हमारी 40 वोल्ट की रहेगी, और फिर जो उसके नीचे वाली लूप रहेगी वो भी हमारी 40 वोल्ट की रहेगी। मतलब कि इसको हम डिटेल्स में समझेंगे कि ये 40040 कैसे होगा, ठीक है। तो यह है हमारी 0 वोल्ट प्राइमरी वाइंडिंग का, और यह है 220 वोल्ट प्राइमरी वाइंडिंग, मतलब कि 220 वोल्ट की हम प्राइमरी वाइंडिंग निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि ये जीरो लूप और 40 वोल्ट, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे, चलिए समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी 40 वोल्ट की जो बीच वाली लूप है ये हो जाएगी हमारी जीरो लूप, और जो कि ऊपर वाली जो जीरो वाली आपको नजर आ रही वो हो जाएगी हमारी 040040, मतलब कि हम बीच वाला जो कॉमन बना लेंगे। तो हम जो भी ऊपर वाली लूप ले लें, चाहे तो हम नीचे वाली लूप ले लें, तो हमें 40 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप तो जीरो से 80 वोल्ट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सबसे ऊपर वाली आपको एक लूप ले लेनी है और आपको सबसे नीचे वाली एक लूप ले लेनी है, तो आपको 80 वोल्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये 040040 का है, ठीक है, मतलब कि 40040 का भी है, और 0 से 40 वोल्ट का भी है, और 0 से 80 वोल्ट का भी है, ठीक है। इसमें मतलब कि तीन चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलिए हम इसके टर्न्स और वायर गेज वगैरह के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर जो हम प्राइमरी वाइंडिंग के लिए जो टर्न देंगे वो हम देंगे यहाँ पर 550 टर्न, मतलब कि 220 वोल्ट के लिए हम जो टर्न देंगे वो हम यहाँ पर देंगे 550 टर्न, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर जो हम 40040 के लिए कितने टर्न देंगे वो यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे अपनी जीरो लूप से, तो हम यहाँ पर जो टर्न देंगे वो हम देंगे 100 टर्न, पूरे के पूरे 100 टर्न, और यहाँ पर हम जो टर्न देंगे वो भी हम देंगे 100 टर्न, ठीक है। इस प्रकार से आपको 100-100 टर्न पर सप्लाई, मतलब कि लूप निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, वायर गेज और इसका बॉबिन साइज और कोर नंबर क्या रहेगा वो भी हम जान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा जो वायर गेज रहेगा, और जैसे कि आप अगर कॉपर में बना रहे हैं या आप एल्युमिनियम में बना रहे हैं, तो आप जो है इसमें जो वायर गेज मैं बताऊँगा वो आप इजीली यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप कॉपर में यूज कर लें और चाहे तो आप एल्युमिनियम में यूज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जो वायर गेज यहाँ पर डालेंगे वो यहाँ पर डालेंगे 24 नंबर का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो हम वायर गेज यूज करेंगे वो 24 नंबर का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो हम सेकेंडरी में जो वायर गेज यूज करेंगे वो हम 18 नंबर का यूज करेंगे। अगर दोस्तों जैसे कि आपको अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो आप दोस्तों इसमें से एक वायर गेज कोई भी पतला कर सकते हैं, बल्कि आप मोटा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बॉबिन में आपके आएगा नहीं। तो यहाँ पर जो है आप 24 नंबर की जगह पर 25 नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, और जो 18 नंबर का है उसकी जगह पर हम 19 नंबर का डाल सकते हैं, मतलब कि पतला तो कर सकते हैं पर मोटा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम बॉबिन साइज और इसमें जो कोर नंबर कौन सा यूज करेंगे वो भी यहाँ पर आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कोर नंबर यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 4 नंबर की इसमें, ठीक है, और जो हम बॉबिन साइज यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 2 इंच का। तो ये था हमारा दोस्तों 5 एम्पीयर का, ठीक है, 5 एम्पीयर का, मतलब कि 40040 का, और 0 से 80 का भी है और 040 का भी है, ठीक है। तो ये था हमारा 5 एम्पीयर का ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग डाटा, तो कि जो कि दोस्तों आप लोग को इसमें मिल ही चुका है। तो फिर दोस्तों वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। अगर और भी इसी ट्रांसफार्मर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको डेली से डेली वीडियो देखने को मिलेंगी। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।